सीधी कान की पीड़ित से भोपाल में मिले शिवराज सिंह चौहान, दोया पैर, इंसाफ का किया वादा। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा था आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सीएम के आदेश पर पुलिस ने लगाया एनएसए। ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके, मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। आदि के घर की आदिवासी महिलाओं ने पीड़ित की पत्नी से मिलने पहुंचे बीजेपी नेताओं को दिखाई चप्पल, बीजेपी विधायक ने वहां जारी कांग्रेस का धरना खत्म करने को कहा तो फूटा गुस्सा। राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट शामिल, गहलोत वर्चुअली मौजूद। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता बैठक में मौजूद, राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन की खबर। सचिन पायलट की भूमिका पर फैसले की उम्मीद, लंबे समय से गहलोत से उनका मनमुटाव है जारी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर रंधावा भी बैठक में शामिल, राज्य के करीब 30 नेता भी ले रहे हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल हर नेता को अपनी राय रखने के लिए 5-5 मिनट का वक्त है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा रखेंगे प्रेजेंटेशन। एक बार फिर महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की तैयारी, इसी हफ्ते हो सकता है विस्तार। फिलहाल शिंदे कैबिनेट में 3 पार्टियां, 9-9 मंत्री, अभी 13 मंत्री पद खाली, महाराष्ट्र में हो सकते हैं 42 मंत्री। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार की अहम बैठक, विभागों के बंटवारे पर होगी बात। दिल्ली में एनसीपी दफ्तर के बाहर पुराने पोस्टर हटाए गए, बाहुबली फिल्म से जुड़ा पोस्टर लगाया गया, प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया कटप्पा। महाराष्ट्र में एनसीपी की सियासत के बीच हलचल तेज, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकात। महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली पहुंची, दोपहर 3 बजे एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, शरद पवार और सुप्रिया सुले राजधानी पहुंचे, शाम 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसीपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शरद पवार के घर 6 जनपद पर होगी ये मीटिंग, 40 सदस्य होंगे शामिल, पार्टी से किसी को हटाने या शामिल करने पर हो सकता है फैसला। एनसीपी के वर्चस्व की जंग में बुधवार को दोनों गुटों की हुई अलग अलग बैठक, अजीत गुट ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया। छगन भुजबल बोले अब अजीत पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के नियम के तहत उठाए गए हैं कदम। शरद पवार खेमे से समझौते पर बोले भुजबल, आखिर तक कोशिश की लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, इसीलिए हमें उठाना पड़ा है कदम। पटना से दिल्ली आ रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले टेस्ट कराने जा रहा हूं, जांच के बाद लौट कर आऊंगा और फिर विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने बेंगलुरु जाऊंगा। 2024 के चुनाव को लेकर बोले लालू, नरेंद्र मोदी की विदाई करेंगे तैयारी, मेरे आने से बीजेपी को चिंता है। प्रशांत किशोर का दावा बोले लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की महागठबंधन सरकार में होगा फेरबदल। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर और अन्य कुछ राज्यों के बीजेपी नेताओं की बैठक, 2024 को लेकर चुनावी चर्चा। दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, एनडीएमसी ने बदले साइन बोर्ड। समान नागरिक संहिता को लेकर मंत्रियों ने औपचारिक समूह का गठन किया, अलग अलग मुद्दों पर मंत्री समूह करेगा विचार विमर्श। जीओएम की अध्यक्षता करेंगे किरण रिजिजू, अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल। बुधवार को समान नागरिक संहिता को लेकर मंत्रियों की अनौपचारिक समूह की बैठक हुई, पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इन सबके बारे में चर्चा की। समान नागरिक संहिता को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का बयान, इसमें अंतर हिंदू राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अमर्त्य सेन बोले भारत को हिंदू राष्ट्र बना देने से समस्याओं का हल नहीं होगा, यह तय करना होगा कि यूसीसी का ना हो दुरुपयोग। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपकी बड़ी लड़ाई, आज से 13 जुलाई तक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। 9 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की कार्य प्रगति की दिखेगी तस्वीर, उस दिन पूरा होगा पहली मंजिल का निर्माण। राम मंदिर सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर, मंदिर के सुरक्षा प्लान की तैयारी का जिम्मा सीआईएसएफ के हवाले। केरल, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मुंबई, तेलंगाना और गुजरात हाईकोर्ट को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने सुझाए हैं नाम। बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले में ईडी की 8-11 जगहों पर छापेमारी, 2020 और 2021 का है मामला। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, ऑफिस जाने वाले लोगों की बड़ी मुसीबत। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। राजधानी के कई इलाकों में जाम जैसे हालात, ट्रैफिक में फंसे लोगों की बड़ी मुश्किल। नोएडा में भारी बारिश, सेक्टर 10 में रेंगने लगी गाड़ियां। दिल्ली सटे गाजियाबाद में झमाझम बारिश, लोगों को उमस से राहत लेकिन सड़क पर पानी भरने से आफत। सूरत में नहाने गए युवक
समंदर की लहरों में फंसे 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाले गए बाहर। ऊना में मूसलाधार बारिश से तबाही, सैलाब में बह गई भारी भरकम स्कॉर्पियो गाड़ी। बहने के बाद कुछ दूर जाकर पत्थर में फंसी स्कॉर्पियो, ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान। यूपी के शाहजहांपुर में देर रात लगातार बारिश में फंसी नदी में बाहर ट्रक, बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। गुजरात के नाडियाड में अंडरपास से भरा पानी, फंसी कार, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर ड्राइवर और अन्य सवारों को बाहर निकाला। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भारी बारिश के बाद पानी पानी, इमरजेंसी ओपीडी ऑपरेशन थिएटर तक घुसा बाढ़ का पानी। मेडिकल कॉलेज के रिसेप्शन पर पानी में डूबकर नंबर लगा रहे रोग, प्रिंसिपल के दफ्तर में दिखी आफत। मंगलवार रात से ही हो रही है बारिश, अस्पताल में पहुंचे मरीजों और परिजनों के लिए बड़ी आफत, स्टाफ हुए परेशान। नीतीश सरकार की तैयारियों की खुली पोल, दरभंगा में अस्पताल में पानी ही पानी। डीएमसीएच में पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं, शहर के अन्य हिस्सों में आफत की बाढ़, नगर निगम के दफ्तर के पास हालात और भी बदतर। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में हुआ भूस्खलन, भूस्खलन की चपेट में आने से वहां खड़ी गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली में बारिश के चलते प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरी, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। केरल के अर्नाकुलम में समंदर में उफान से सहमे किनारे पर बसे लोग, दीवार बनाने की मांग। केरल के 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों के स्कूल में छुट्टी का ऐलान। लखनऊ में भारी बारिश के बाद गंभीर हालात, आलमबाग सब्जी मार्केट पानी में डूबा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई जोरदार बारिश, नदियों में उफान आने की वजह से खेतों में किसानों की फसल हुई बर्बाद। अकोला में मानसून की पहली धुआंधार बारिश ने शहर को किया तरबतर, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मुंबई में जोरदार बारिश के चलते निचले इलाकों में जमा घुटनों तक पानी, सड़क पर लगा ट्रैफिक जैम। मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क पर गड्ढे और कीचड़ से परेशान लोग धरने पर बैठे की नारेबाजी। सीकर में खदान में भरे पानी से डूबने से 2 युवकों की मौत, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश कई जगहों पर हुआ जल जमा,